मॉर्निंग एवरीवन, और दीपावली के पहले आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम देख सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, आप लोगों को शायद कुछ पता चल रहा होगा। इस समय हम धान के खेत में खड़े हुए हैं और कुछ मजदूर दिख रहे हैं जो इधर उधर धान की कटाई कर रहे हैं, और उसमें एक मजदूर हम भी हैं, क्योंकि घर का काम छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हम दिखाना चाहेंगे कि यह है हमारे खेत, और जहाँ तक आपको दिख रहा है सारी चीज़ें अपनी ही है। गाना बंद करिए। यह है बूफल लेके यहाँ पे आए हुए हैं। गाना क्या चला है देखिए, सुनिए। और तेज करो गाना। और ये है मस्ती हो जाए। धीमा कर दो इसको, धीमा करो, धीमा करो आयुष। और अब हम आपको ले चल रहे हैं एक एक लोगों से मिलवाने। सब घर के ही हमारे बड़े भाई छोटे भाई हैं, और ये हैं, इनसे मिलिए। इधर देखिए पहले, ये हैं, इनका नाम है अंशु दुबे, स्वदेश दुबे हैं। ये हैं मास्टर इस समय कानपुर में, और देखिए काम कर रहे हैं इस समय, देख सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको धान की कटाई करते हुए? लगभग 12 साल बाद आज हम लोग जो है धान की कटाई कर रहे हैं। तो ये हैं अंशु भैया हमारे। अब हम दूसरी तरफ ले चलते हैं, डॉक्टर जी से मिलवाने आपको। ये हैं डॉक्टर जी, देखिए। ये हैं हमारे छोटे भाई आयुष, और डॉक्टर इस समय बी फार्मा कर रहे हैं ये, और अच्छी खासी हाइट यहाँ पे बढ़ाए हुए हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए बस कह रहे हैं। और अब हम लोग देखिए, इस समय स्पीड थोड़ी धीमी है, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं सबसे फास्ट स्पीड वाले भैया के पास। और इनके पास चलने से पहले इनके बारे में बता देना चाहते हैं, ये भी हैं पेशे से मास्टर और हैं अध्यक्ष जी। ये हैं भैया। अरे यार, एग्रीकल्चर इज डिफिकल्ट वर्क। डिफिकल्ट वर्क, देखिए पसीना आ चुका है इनको। और कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा आप काटते रहिए, जिससे कि थोड़े से हार्ड वर्किंग इज वेरी हार्ड। बहुत अच्छी अंग्रेजी है इनकी। इनकी इतनी अच्छी इंग्लिश है कि सभी लोग फेल हो जाएंगे इनकी अंग्रेजी के सामने। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। थोड़ा काटिए, दिखाइए सबको कैसे काट रहे हैं हम। देखिए स्पीड, देखिए इनकी कितनी खतरनाक तरीके से चल रहे हैं। देखिए जय हो। और इस समय बस 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 हो गया, हो गया, हो गया। और कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? जी नहीं, जी नहीं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चलिए अब हम चलते हैं एक और भैया के पास। ये हैं आशुतोष द्विवेदी, प्रीतम भैया। ये भी इस समय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, और इस समय टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं लखनऊ में। ये भी टॉपर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के। तो बहुत कामचोर किस्म के हैं ये, घर वर पे आते हैं, लेकिन हमारे घर के सबसे सुशील भैया हैं ये। राजा बेटा इनको कहा जाता है, और हमको सबसे दुष्ट लड़का कहा जाता है। और हम चल रहे हैं सरकार के पास, श्रीमंत सरकार के पास चल रहे हैं। और देखिए यही है, ये भी हैं पापा हमारे, प्रधानाध्यापक हैं, और पेट पेट निकल रहा है, और इसी उम्मीद है कि दीपावली के समय में सारे पेट अंदर हो जाएंगे। और अच्छी खासी स्पीड चल रही है, बहुत बढ़िया काम मिला है, बहुत बढ़िया काम मिला है ना। हाय बोलिए सबको, हाय। और अब हम चलते हैं भैया के पास। स्मार्ट दाढ़ी लुक है इनका, दिल्ली में रहते हैं, दिल वाले हैं ये। MBA भी कर चुके हैं, और अभी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। इनका नाम है योगेश, दीपू भैया हमारे। ये भी एकदम लगे हुए हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम दीपावली आप सबकी है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी। मेरा काम से वीडियो बनाना है, अभी हम भी थोड़ा सा काम वाम करेंगे। और ये हैं खेत हमारे, और हम देख सकते हैं, आपको ट्यूबवेल दिखाते हैं जहाँ से पानी निकलता है। ट्यूबवेल आप सब जानते होंगे, क्योंकि गांव के
गांव से ज़्यादा लोग बिलोंग करते हैं। और ये है पहले के समय का कुआं, जो कि इसी से पहले पानी वानी निकाला जाता था। आप लोग जानते होंगे जर्जर अवस्था में है। जब हम नौकरी उकरी पाएंगे तो फिर इसका जीर्णोद्धार करवाएंगे। ये है हमारी ट्यूबवेल और इसी में हम लोग नहाते भी हैं। ये हम लोगों का स्विमिंग पूल है, गांव का स्विमिंग पूल है ये। इस समय बहुत दिन से पानी वानी नहीं। वो है गन्ने का खेत, दिख रहा है सामने आपको गन्ने का खेत, वो दिख रहा है और सारी चीज़ें। तो चलिए फिर, एक छोटा सा ब्लॉग था आप लोगों के लिए और उम्मीद करते होंगे कि आप सभी कुछ ना कुछ सीखे होंगे, क्योंकि सीखना जीवन का एक हिस्सा होता है। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी दीपावली टू ऑल, थैंक यू।